आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। नित्य प्रति आप भगवान बुद्ध के पूजा अर्चना करें।
पूजा कर होता है, आप लोग पूजा करते हैं, पर पूजा के साधारण अर्थ है दो शब्द है पूजा, माने पूरा जानना। नमन करती हूँ बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को, सभी माताओं को और मेरे समक्ष बैठे हुए हमारे सभी बुजुर्ग भाई और बहनों को, सभी को सादर नमोदत है। क्रांतिकारी जय भीम कहती हूँ। बहुत सी माएँ मेरे समक्ष बैठी हुई हूँ। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि इस पावन धरती पर मुझे बुलाया गया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ श्रद्धे सेना सर का, जो हमारे साहित्य प्रणवी हैं और हमारे भजन आंदोलन के तड़धर भी हैं। मैं कहना चाहती हूँ आज इस पावन पर्व पर सब कतरा कहना चाहूंगी, अपनी दो पंक्तियों से आगाज करती हूँ। जैसे भाई पर खड़े हुए मेरा अनुरोध है कि कृपया बैठ जाए, मुझे अच्छा लगेगा। आज कानपुर की धरती पर आप लोगों के बीच में आई हूँ तो बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद अपनी बहनों में लेकर जाना चाहती हूँ और याद रखना चाहती हूँ। आशीर्वाद कर दो अपनी आंखों में, अपने हृदय में प्लीज बैठ जाइएगा। तो माना भीम के अंग्रेजी महत है, माना भीम के अंग्रेजी महत है, पर ज्ञान का तो कोई विरोधी नहीं है। माना भीम के अंग्रेजी महत है, पर ज्ञान का तो कोई विरोधी नहीं है। हर मर्ज की दवा है मेरे बुद्ध और भीम के पथ में, हर मर्ज की दवा है मेरे बुद्ध और भीम के पथ में। यहाँ है कोई ऐसा जो अज्ञान का रोगी नहीं है, यहाँ है कोई ऐसा जो अज्ञान से रोगी नहीं है। तो वास्तव में अगर हमें अपना कल्याण करना है, यानी हमारा सभी प्रकार का विकास करना है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, साहित्यिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, वो सभी तभी हो सकता है जब हम बाबा साहब के मार्ग पर चल करके अपने आप को सफल बनाएंगे। अब सफल करने की बारी आती है तो हम लोग सोचते हैं कि हम तो कब से बाबा साहब को पूज रहे हैं, हमारा तो कल्याण नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगी कि पूजना और उनका अनुगामी बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। खास करके माँ बहनों को संदेश करने मेरा उद्देश्य रहता है। मैं थोड़ा सा परिचय भी दे दूं। मेरी माए मेरी तरफ देख रही हैं कि बेटी कहाँ से है। मैं फैजाबाद जिला से बिलोंग करती हूँ, टूंगला कस्बा है वहाँ रहती हूँ। सरकारी अध्यापिका हूँ और बाबा साहब की कर्जदार हूँ, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बाबा साहब के जश्न की अलग जगाने के लिए निकल पड़ी हूँ। तो अपेक्षा करती हूँ कि आप मेरी बहनें जो बैठी हुई हैं, छोटी मेरी माँ बैठी हुई है, आज इस पावन पर्व पर इतना कुछ लेकर के जाए कि वो अपनी नई पीढ़ी को भी लेके जाए। तो बात कहाँ चल रही थी कि ये जो पावन पर्व है आज का 14 अक्टूबर 1956 वाली बात आज हम दोहरा रहे हैं। क्यों? तो मैं कहना चाहूंगी कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब जी ने, जैसा कि हमारे श्रद्धे मदन सर ने इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा हमें बताया, जिन चीजों से मैं अग्रह की थी वो भी मुझे सुनने को मिली, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। कि आज हम चारों तरफ देखते हैं, आज हमें धर्म परिवर्तन करने की जरूरत क्या है, धर्म क्यों परिवर्तन कर रहे हैं हम, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आज हम नजर उठा के देखते हैं तो हमारा बहुजन तबका किसी न किसी तरीके से सताया जा रहा है। हमारी बेटियों पर आए दिन लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हमें जाति के नाम पर सताया जाता है, चाहे कैसा भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़े लिखे क्यों ना हो, फिर भी हमें सताया जाता है। इसका एक उदाहरण मैं खुद देती हूँ। मैं सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापिका हूँ, विगत वर्ष मुझे जहरीन कहने पर सस्पेंड कर दिया गया था और मुझे ताकत मिली कब, जब मैं संघर्ष से जूझी, मुझे और जानने की कोशिश गलत जगी कि ऐसा बाबा साहब में क्या है कि ये लोग जहरीन बोलने मात्र से सस्पेंड कर देते। मेरी आंखें खुल गई। मैंने कभी हिंदू धर्म में जी रही थी, मर रही थी, जी नहीं रही थी, मर रही थी। आज से 6 साल पहले मैंने इस धर्म को लात मार दी। क्यों? क्योंकि मैं बाबा साहब को थोड़ा थोड़ा समझने लगी और मेरा उद्देश्य हमारी माँ बहनों को जगाने का ही है कि जिस घर में एक माँ जाग जाएगी उस घर में शायद अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादिता बहुत पीछे चली जाएगी। बाबा साहब ने 1935 में मुंबई में महिला सभा का आयोजन किया।
जन्म देती है, यानी विश्व का कोई भी नागरिक माँ की गोदी के बिना तड़ा बड़ा और पड़ा भी होता है। तो हर एक माँ जब जन जाती है, जब माँ शिक्षित हो जाती है, माँ जान जाती है कि हमारे मसीहा कौन है, हमारे कर्तव्य कौन है, तो मैं अपने बेटे को भी वही बात सिखाऊंगी। मेरी आंखें भर गई श्रद्धा जब ऐसी माँ का जिक्र कर रहे थे। मैं सोच रही थी क्या मैं ऐसी माँ बन पाऊंगी, क्या मैं अपने बच्चों को ये चीज दे पा रही हूँ, नहीं दे पा रही हूँ। तो आज संकल्प का दिवस है, हमें अपने बच्चों में ये जागृत करना है, अपने बच्चों में संस्कार, यानी हमारी सामान्य संस्कृति है, बौद्ध में संस्कृति है, हमारी वो डालनी है। बेटी बैठी हुई है मेरे सामने, सोच रही होगी सामान्य संस्कृति तो कभी स्कूल में पढ़ाई ना गई है ना, कभी बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह के बारे में भी जिक्र नहीं किया गया। इसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में बाबा साहब के बारे में बहुत ही संचय में दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम जान गए तो जाग जाएंगे, और जाग गए तो हमको मांगने लगेंगे, इसलिए बहुत ही संचय में दिया हुआ है। तो हमारी बेटियों को तो मालूम ही नहीं, अरे मुझे खुद नहीं मालूम था, मुझे खुद नहीं मालूम था कि हमारे भगवान कौन है, हमारे पूजनी कौन है। हम बहुत भ्रम में जी रही थी, जब मैंने जानने की कोशिश की तो उस भ्रम को लात मार दी, और मैं आज आपको बता दूं मैं शादीशुदा भी हूँ। ये बात मैं इसलिए जिक्र करती हूँ क्योंकि माँ पर कंप्रेशन जाता है। आज हमारी माएँ क्या करती हैं, ढंगे बाबा के चक्कर में पड़ करके अपना पैसा ही बर्बाद करती है, अपना समय जो बच्चों के निर्माण में देना चाहिए वो नहीं लगा पाती। पूरा खर्चा, यानी एक मजदूर पति है 400 रुपये कमा के लाता है, बुरा न माने मैं माफी चाहूंगी, 400 रुपये परिश्रम करके एक पत्ती कमा के लाता है, और एक बहू यानी उसकी बीवी करवा चौथ के व्रत पर 4 महीने की कमाई की ही उड़ा देती है, कहती है सिंदूर लगाएंगे नए कपड़े पहनेंगे तो पति की उम्र जीवित, पति की उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी। आई भाई मैं भी रहती थी करवा चौथ, आज मैं शादी शुदा हूँ, मेरी बड़ी बेटी 12-13 साल की है, 3 बच्चों की माँ हूँ, बताने की बातों का जिक्र करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे ऊपर जो इतने सारे सिंबल लादे गए, इतने सारे प्रतीक लादे गए, ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी का प्रतीक है। तो बात चली थी करवा चौथ वाली, एक पति 3 महीने लगातार कमा के लाएगा, अब करवा चौथ आने वाली है, कहेंगे भैया कहीं खाए है, तो मैं साहित्यिक भाषा ही बोल लेती लेकिन आपको इंप्रेस करने की एक भाषा बोल रही हूँ कि कड़ी खाए करवा चौथ आ रही है, 1200 रुपये वाली साड़ी लूंगी। अब उस 1200 रुपये की साड़ी के लिए 4 दिन 8 दिन 10 दिन ब्लैक लेस होता है, न तन लगता है न मन लगता है उस करवा चौथ से, हमारा पैसा भी बर्बाद जाता है और हमारा मन भी खराब हो जाता है। तो उस पति से क्या आपके पति की उम्र बड़ी हुई? क्यों? अरे सारे व्रत पति और पत्नी को क्यों करने चाहिए, पति को क्यों नहीं करने चाहिए, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो हमारे ऊपर सारे सुंदर ना देंगे, ये पैसा हम जो करवा चौथ 1200 की साड़ी के लिए खर्च करेंगे वो पैसा हम बच्चों की शिक्षा पर भी लगा सकते हैं, और जब शिक्षा पर लगाएंगे तो हमारे समाज में परिवर्तन अवश्य भावी है, आएगा, जरूर आएगा। और मैंने भी सोच लिया है बाबा साहब की कृपा से, सामाजिक तौर पर मुझे लोग जाने लगे हैं साहित्य तरीके से, और सरकारी खजाने में भी मेरा साझा है, मुझे अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन मैंने रख लिया है कि जो मैं ऊपर अपने खर्च करूंगी वो मैं किसी गरीब की शिक्षा पर ही खर्च कर दूं, है ना। तो बात चल रही थी कि क्या धर्म जरूरी है, हमारे ऊपर इतने सारे अत्याचार किए जाते हैं, तो चारों तरफ मारकाट, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, आज यहाँ की खबर, कल यहाँ की खबर, परसों वहां की खबर, आंखें भर जाती है, हृदय उथल पुथल करने लगता है। तो मानव अस्तित्व को बचाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या धर्म ही जरूरी है, धर्म नहीं धर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? धर्म और धर्म दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे कि संक्षेप में कह सकते हैं कि पूजा जब हम करते हैं, हिंदू धर्म में पूजा हम करते हैं तो क्या करते हैं, मांगते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में पूजा हम करते हैं तो हम
भौतिक आधार नहीं रखते, हम अपने मन की शांति के लिए पूजा करते हैं। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।